हेलो फ्रेंड्स, बॉलीवुड नजर टॉप 10 में आज हम बात करेंगे दीपिका के खिलाफ शर्लिन चोपड़ा के बयान के बारे में, बताएंगे आपको अक्षय को लेकर क्यों भावुक हुए सलमान खान और दिखाएंगे अर्जुन कपूर की फिल्म कुत्ते का मोशन पोस्टर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बॉलीवुड नजर टॉप 10 शो। सिद्धार्थ मल्होत्रा की नेटफ्लिक्स मूवी मिशन मजनू का टीजर रिलीज हो चुका है। फिल्म का टीजर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से शुरू होता है और सिद्धार्थ फिल्म में भारत के रॉ एजेंट के रूप में दिखाई देते हैं और साथ ही साथ ट्रेलर में दुल्हन के रूप में रश्मिका मंदाना की भी झलक दिखाई गई है। ओवरऑल सिद्धार्थ के इस एक्शन ड्रामा फिल्म का टीजर काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में दीपिका पादुकोण के खिलाफ कहा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग की हमदर्द दीपिका भगवा रंग की बिकनी में बेशर्म रंग नाम के एक फिल्मी गाने में थिरक रही हैं, जो निश्चित रूप से उन लाखों हिंदुओं को स्वीकार नहीं है जो लोग भगवा को पवित्रता और आस्था का रंग मानते हैं। हाल ही में सलमान खान ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में सुपरस्टार सिंगर टूर टीवी शो का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें अक्षय कुमार अपनी बहन का मैसेज सुनकर काफी भावुक हो गए थे। इस वीडियो के साथ सलमान ने अपने दोस्त अक्की के लिए एक प्यारा सा मैसेज लिखा, जिसमें रिप्लाई में अक्षय कुमार ने भी सलमान को थैंक यू कहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेम्स कैमरॉन की फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर ने अपनी ओपनिंग डे पर इंडिया में करीबन 38 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। अवतार 2 की प्रोडक्शन कंपनी 20 सेंचुरी फॉक्स ने फिल्म की स्क्रीनिंग का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें अक्षय कुमार, कार्तिक आर्यन और बॉबी देओल जैसे बड़े बड़े सितारों के साथ आदि पुरुष के डायरेक्टर ओम राउत भी दिखे हैं और उन्होंने फिल्म की तारीफ की है। कमेंट सेक्शन में एक व्यूअर ने लिखा कि ओम राउत को VFX के बारे में बात करता हुआ देख मुझे हंसी और रोना दोनों आ रहा है। दूसरे ने लिखा, उम्मीद है कि अब ओम राउत कार्टून और VFX का अंतर जान चुके होंगे। अवतार द वे ऑफ वाटर के रिलीज होने के बाद दृश्यम 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में फॉल देखने को मिला है। जहां गुरुवार के दिन दृश्यम 2 ने 1,40,00,000 रुपए की कमाई की थी, वहीं शुक्रवार के दिन सिर्फ 70,00,000 की कमाई की है। वहीं बीते दिनों मशहूर हॉलीवुड एक्टर स्टीफन ट्विंच बोस ने आत्महत्या कर ली थी, जिसका दुख जाहिर करते हुए प्रियंका चोपड़ा ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर करते हुए लिखा है कि मैं अभी भी इस बात पर यकीन करने की पूरी कोशिश कर रही हूं। आपने अपने टैलेंट से दुनिया को काफी कुछ दिया है, आप हकीकत में रोशनी की तरह थे। आसमान भारद्वाज की फिल्म कुत्ते का मोशन पोस्टर रिलीज हो चुका है, जिसमें अर्जुन कपूर और तब्बू समेत पूरी कास्ट के फोटोज और डायलॉग्स दिखाए गए हैं। फैंस को ये पोस्टर काफी पसंद आ रहा है और ये फिल्म 13 जनवरी के दिन रिलीज होने वाली है। एक इंटरव्यू में पिपराजीज के खिलाफ तापसी पन्नू ने कहा कि सोचो, अगर आप अपनी कार में जा रहे हो और कुछ लोग आपको कार का दरवाजा बंद नहीं करने दे रहे हैं बल्कि आपके चेहरे पर कैमरा मार रहे हैं, तो क्या आप इसे पसंद करोगे? आप भले मुझे घमंडी कहो लेकिन मैं चमचागिरी नहीं करूंगी। बेशरम रंग गाने के विरोध में पहली बार दीपिका को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया और दीपिका काफी खुश दिख रही थी और फैंस को दीपिका का ये लुक काफी पसंद आया। हालांकि कमेंट्स में कुछ लोगों ने उन्हें ट्रोल भी किया। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और देखते रहिए बॉलीवुड नजर।